बिग बॉस के सेट से एक बड़ी तगड़ी वाली खबर वायरल हो रही है और वायरल होनी भी चाहिए क्योंकि वो खबर है श्री अनुरुद्धाचार्य आचार्य को लेकर के। अनुरुद्धाचार्य जो कि एक फेमस कथावाचक हैं और अपने चिर परिचित अंदाज के लिए, अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, उनको बिग बॉस के सेट के बाहर स्पॉट किया गया। उनको देखा गया कि भाई वो बिग बॉस के सेट के अंदर जा रहे हैं। ऐसे में चर्चाओं का दौर बढ़ गया कि भाई अनुरुद्धाचार्य जी ने तो भरे स्टेज में कहा था कि भाई हम बिग बॉस पे नहीं जाने वाले हैं। बिग बॉस की टीम ने उनको अप्रोच भी किया था जाने के लिए, अच्छी खासी मोटी रकम भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कह दिया था भाई इस तरह के शो हमारे लिए नहीं है। जिस शो में मान सम्मान की बातें, मतलब अभद्रता होती है, जो चीज़ें होती हैं वो हमारे बस के बाहर है, इस तरह के शो में हम जाना पसंद नहीं करेंगे। ये अनुरुद्धाचार्य ने अपनी कथा के दौरान कहा था। उन्होंने साफ तौर से बताया था कि हमारे पास बिग बॉस की टीम आई थी और अंदर आने के लिए अप्रोच कर रहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया है, हम बिग बॉस पे नहीं जाने वाले। फिर ऐसे कंडीशन पे अनुरुद्धाचार्य का स्पॉट किया जाना बिग बॉस के सेट के बाहर, ये एक बड़ा विषय। तो फाइनली ये निकल कर क्या रहा है कि भाई बिग बॉस के घर के अंदर अनुरुद्धाचार्य गए हैं, लेकिन अनुरुद्धाचार्य एज ए कंटेस्टेंट नहीं गए हैं। वो गए हैं, वहाँ पर प्रीमियर का शूट चल रहा है और प्रीमियर के शूट के दौरान अनुरुद्धाचार्य वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पे गेस्ट के रूप में वहाँ पर बैठेंगे। हो सकता है कुछ इस तरीके के टास्क या कुछ इस तरीके का डिज़ाइन किया गया हो कि जो लोग आएंगे उनको कुछ टिप्स देंगे कि भैया अंदर कैसे रहना, क्या करना, या कुछ भविष्य बताएंगे, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली लाफ्टर सेफ करके एक आ रहा था रियलिटी शो जिसपे अनुरुद्धाचार्य को देखा गया था, वहां पर बहुत सारी हंसी मजाक बातें करते हुए और ज्ञान की बातें बताते हुए अनुरुद्धाचार्य जी देखे गए थे। खैर फिलहाल बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो काफी उन्होंने मेहनत करी, काफी जुगत लगाई कि भाई अनुरुद्धाचार्य उनके शो में आ जाएं, क्योंकि अनुरुद्धाचार्य के पास एक अच्छी खासी TRP है और इसके पहले भी कई सारे बाबाओं को लाने का प्रयास कर चुके हैं। स्वामी ओम को लेकर के आए थे जो केवल नाम का बाबा था, लेकिन सारे बाबा स्वामी ओम की तरीके नहीं होते हैं। फिलहाल वो चीज़ दोबारा से क्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन अनुरुद्धाचार्य ने साफ मना कर दिया। जब इन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने कहा होगा भैया ऐसा करो स्वामी जी, प्रीमियर में ही आ जाओ, कुछ ना कुछ TRP का फायदा तो आपसे हम ले ही लेंगे। तो फाइनली उन्होंने प्रीमियर में आने के लिए मना लिया है और प्रीमियर में अनुरुद्धाचार्य पहुंच गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने लाफ्टर सेफ का भी शूट किया था, जिसकी वजह से और ये बात थोड़ा सा बिग बॉस के मेकर्स को लगी कि हम इनको ला सकते हैं। तो इस तरीके से अनुरुद्धाचार्य वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रीमियर शूट में वो सलमान खान के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। बाकी तो ये तो 6 तारीख को आपको देखने को मिलेगा कि अनुरुद्धाचार्य ने वहां पर अंदर क्या क्या किया, किस तरीके से उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या हुई, वो सारी बातें आपको प्रीमियर में ही देखने को मिल पाएंगी। बाकी बात करें कंटेस्टेंट की तो बहुत सारे कंटेस्टेंट के नाम भी बदल चुके हैं, कई नए नाम आ चुके हैं। फाइनल लिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जो कि बदलने के बाद, नाम बदलने के बाद जो फाइनल लिस्ट आई है वो मिल जाएगी। 19 कंटेस्टेंट की फाइनल लिस्ट आई है, इसमें एक या दो कंटेस्टेंट बताए जा रहे हैं कि भैया उनमें डाउट है, या तो वो कुछ दिनों के लिए आने वाले हैं या फिर वो गोला मार देंगे, नहीं आएंगे, ऐसा कुछ निकल कर के आ रहा है। अभी तक 19 कंटेस्टेंट की लिस्ट आई है जो कि खबरें से मिली है, वो हम नेक्स्ट वीडियो हमारा देख लीजिए, वो वीडियो चैनल पर आ चुका है। दूसरी चीज धीरज धूपर की जहां पर बात आ रही थी, भैया धीरज धूपर नहीं आने वाले, ये बात 100% कंफर्म हो चुकी है। तो दोस्तों बिग बॉस से संबंधित एक एक अपडेट लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, नमस्कार।